दोस्तों टेक राइट टुगेदर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास और ऑब्जेक्ट पर प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे। तो हम एक सैम्पल क्लास ले लेते हैं जिसका नाम रखते हैं हम एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय क्लास। और उसमें जो एट्रीब्यूट्स रहेंगे डेटा मेंबर्स वो क्या क्या आ सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, फिर डिपार्टमेंट, डिजिग्नेशन, सैलरी, ठीक है, और क्या आ सकता है, मैनेजर नेम, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके एक क्लास बना के देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अब एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर क्लास बनाते हैं। कंसोल ऐप, क्लास एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्रिएट। दोस्तों ये प्रोग्राम डेट सीएस को हम ऐसे ही रहने देते हैं और एक क्लास ऐड कर लेते हैं। क्लास ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन है उसके से जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ये ऐड पे क्लिक करेंगे, न्यू आइटम में जाएंगे और न्यू आइटम के अंदर हम ये जो सीसाप आइटम्स का सेक्शन है उस पर ये जो क्लास है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम क्लास का नाम दे देते हैं। क्या है हमारा क्लास, एम्प्लॉय। तो फाइल का नाम क्या बनेगा, एम्प्लॉय डॉट सी एस। ओके, ये हमारा क्लास बन गया। तो इस क्लास के अंदर ये जो है नेम स्पेसिस है, जो ये प्रोग्राम, ये प्रोजेक्ट, ये पर्टिकुलर क्लास यूज कर सकता है, ये सिस्टम नेम स्पेस है, ये जेनरिक है, ये लिंक क्यू है, ये टेक्स्ट है, ये थ्रीडिंग डॉट टास्क है, ये सारी नेम स्पेस है। ये नेम स्पेस क्या है ये सारी बात करेंगे हम। दोस्तों पहले हम है ना सिंपल क्लास को देख लेते, उसके बाद बात बात करेंगे नेम स्पेस के बारे में। तो नेम्स के, ये जो नेम स्पेस है ये तो हम सारी नेम स्पेस यूज कर रहे हैं और उसके अंदर ये क्या है, ये नेम स्पेस है उसके अंदर हमारा क्लास है। ठीक है, तो हम पहले तो ये क्लास को बना लेते हैं। ठीक है, तो हम ये डिफॉल्ट ऑप्शंस दे रहा है बनाने के लिए, पर मैं स्क्रैच से बनाऊंगा, हमने जो फील्ड लिया उसके उसके हिसाब से। तो हमारी जो फील्ड है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, ये गेट और सेट, मतलब हम गेट और सेट कर सकते हैं। ठीक है, गेटर सेटर बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद है एम्प्लॉय नेम, ठीक है, इसमें मैंने क्या गलती कर दी, मेरे को यहाँ स्ट्रिंग लेना है। ठीक है, उसके बाद ये क्यों ऐसा दे रहा है, ओके ये नॉट नरेबल है तो डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करने के लिए बोल रहा है, वो हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, ओके, स्ट्रिंग डिपार्टमेंट नेम गेटर सेटर, ठीक है, स्ट्रिंग डेजिग्नेशन नेम, डेजिग्नेशन ही रखते सिर्फ। ठीक है, उसके बाद है सैलरी, सैलरी हम डबल में लेते हैं, अमाउंट है इसलिए। ठीक है, मैनेजर, स्ट्रिंग मैनेजर, ठीक है,
ये सारे डेटा मेंबर्स हो गए एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय कैन हैव एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, डिजिग्नेशन, सैलरी और मैनेजर। ठीक है, तो अब हम इसको, ये क्यों हमको ये एरर दे रहा है, बोल रहा है कि नॉट नलेबल प्रॉपर्टी, एम्प्लॉय नेम मस्ट कंटेन ए नॉट नल वैल्यू व्हेन एक्सिटिंग द कंस्ट्रक्टर। अब आप सोचोगे ये कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है, जैसे मैंने बोला है क्लास के अंदर फंक्शंस हो सकते हैं, तो कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन है, पर वो स्पेशल है। वो स्पेशल क्यों है, तो जस्ट बताता हूँ मैं। ये हुआ कंस्ट्रक्टर, जो भी क्लास का नाम है उसी नेम से कंस्ट्रक्टर बनेगा। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होगा, जब हम ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले जो फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा वो कंस्ट्रक्टर होता है। उसको अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे ही हम उसका एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा। ठीक है, तो अब हम एम्प्लॉय क्लास बना रहे हैं। ठीक है, तो अब एम्प्लॉय उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हमको तो ये जो एम्प्लॉय क्लास है उसमें ये जो डेटा मेंबर्स है उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो हम बाहर से प्रोवाइड करेंगे, राइट? तो वो बाहर से प्रोवाइड करेंगे इस क्लास को, तो वो किसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है वो फर्स्ट फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगा जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हम ये सारे पैरामीटर पास कर लेते हैं। ये दोस्तों, ये जो नेम फील्ड के नेम, जो मैं वेरिएबल के नेम ले रहा हूँ, ये जो हमारे क्लास के नेम है उससे अलग हो सकते हैं, या मैं डीपीटी नेम ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, पर चलो मैं यहाँ थोड़ा अलग करता हूँ, यहाँ आईडी लिखता हूँ, यहाँ नेम लिख देता हूँ। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए थोड़ा अलग कर रहा हूँ, नहीं तो आपको लगेगा ये मैचिंग नेम ही मैंने लिया है। डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, स्ट्रीम, डेजिग्नेशन, ठीक है, डबल सैलरी, ठीक है, स्ट्रीम, एमजीआर। तो ये क्लास जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये जो क्लास के वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम बाहर से वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर में हमने सारे पास किए, अब ये पास करके हमको इसमें असाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, इक्वल टू आईडी। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो क्लास है उसकी जो पर्टिकुलर इंस्टेंस हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं उसको हम दिस बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर इंस्टेंस। ठीक है, तो दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू आईडी। ठीक है, हम जो भी बाहर से वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो इस वेरिएबल्स में असाइन करेंगे। एम्प्लॉय नेम, ठीक है, दिस डॉट डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, दिस डॉट डेजिग्नेशन, क्या है, दिस डॉट डेजिग्नेशन, ओके, दिस डॉट सैलरी। दोस्तों ये जब इनिशियलाइजेशन आप करते हो तो आप बाय मिस्टेक ये वेरिएबल दूसरे में वेरिएबल और एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट नेम में असाइन कर दो, ऐसा पॉसिबल है, तो वो आपको ध्यान रखना है ना, जब आप शुरुआत में सीखते हो तो ये मिस्टेक करते हो। ठीक है, अब ये मैंने सारे वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर दिए एम्प्लॉय क्लास के अंदर। ठीक है, अब इस क्लास को हम इंस्टेंस बना के देखते हैं। ठीक है, क्लास तो डिफाइंड होगा, एम्प्लॉय क्लास, उसके वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने बना लिया और उसको उसके अंदर ये वेरिएबल्स सारे इनिशियलाइज कर दिए। अब मैं यहाँ से ये लाइन कमेंट कर देता हूँ प्रोग्राम डॉट सी एस में से। अब मैं उस एम्प्लॉय क्लास की इंस्टेंस बनाता हूँ, तो एम्प्लॉय क्लास, एम्प्लॉय, ठीक है, ये एम्प्लॉय क्लास जो है कौन से नेमस्पेस में है, क्लास एग्जाम्पल, एम्प्लॉय क्लास, क्लास एग्जाम्पल, नेम स्पेस। ठीक है, तो हम जो जो क्लास है वो जो पर्टिकुलर नेम स्पेस के अंदर है वो हमको यहाँ बताना पड़ता है कि भाई हम ये क्लास
ये नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं और उस नेम स्पेस में से ये क्लास यूज़ कर रहे हैं, तो वो नेम स्पेस का नाम हमने वहाँ दिखा दिया यूजिंग करके, यूजिंग कीवर्ड यूज़ करके। अब मैं यहाँ बोलता हूँ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय, ठीक है। मैंने ये एम्प्लॉय क्लास जो है उसका वेरिएबल नेम बनाया ओबीजे एम्प्लॉय, ठीक है। अब इनिशियलाइज करने के लिए आएगा कीवर्ड न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मतलब न्यू करके मैंने एम्प्लॉय यहाँ पर बताया। अब ये एरर क्यों दे रहा है, ये बता रहा है कुछ प्रॉब्लम है। एम्प्लॉय डज नॉट कंटेन अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स जीरो आर्ग्यूमेंट, मतलब एम्प्लॉय क्लास में ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है जिसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट ही ना हो, ये जो हमने आर्ग्यूमेंट पास करे वो ना हो। हमारे पास तो जो कंस्ट्रक्टर है उसमें ये सारे आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो हमको ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है, ठीक है। तो हम अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये विदाउट आर्ग्यूमेंट यहाँ कंस्ट्रक्टर बना दूँ तो वो एरर चली जाएगी। जस्ट दिखाने के लिए आपको एक बार मैं यहाँ ऐड करता हूँ, ठीक है। ये मैंने ऐड किया एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर, पर हमको ये सारे वेरिएबल्स यहाँ पर असाइन करने पड़ेंगे, तो वो हम चलो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ असाइन कर देते हैं एक बार। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैंने नीचे से वो कोड कॉपी कर लिया 11 फॉर एग्जांपल, ओके जॉन IT डिजिग्नेशन टीम लीडर, ठीक है। सैलरी है क्या है, 10,000 लिख देते हैं। मैनेजर, मैनेजर का नाम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं मैनेजर का नाम, चेयर, ठीक है। ये सारे ये मैंने असाइन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो वो एरर चली गई, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि विदाउट आर्ग्यूमेंट वाला अगर एक कंस्ट्रक्टर में बना दूंगा तो ये एरर यहाँ से चली जाएगी, तो देखते हैं। वो एरर तो चली गई, पर ये दूसरी एरर बताए क्या बता रहा है कि एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। प्रोटेक्शन लेवल क्या है दोस्तों, अब ये जो क्लास के आगे जो मैंने एक्सेस स्पेसिफायर बताया है वो इंटरनल बताया है, ठीक है। और यहाँ एम्प्लॉय क्लास में तो कुछ भी नहीं बताया, तो अभी के लिए जो ये जो है एक्सेस स्पेसिफायर वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। तो वो एरर चली जाएगी दोस्तों, चली गई, हो गया ना जादू दोस्तों। दोस्तों इसमें हुआ क्या, जब हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के आगे ये जो कीवर्ड इंटरनल नहीं लिखा था तब तक डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर यूज हो रहा था। डिफॉल्ट कौन सा है, प्राइवेट, तो प्राइवेट यूज हो रहा था, तो प्राइवेट की वजह से ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल नहीं हो सकता, इसकी वजह से वो एरर दे रहा था। पर जैसे ही मैंने इंटरनल लिखा तो वो एरर चली गई, ठीक है। अब दोस्तों अभी इस इंटरनल का मतलब समझने की कोशिश मत करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, पर आगे अभी इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो ये एरर चली गई, ठीक है। पर हमको तो अब ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करना था, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, अभी तो ये वाला आपको जस्ट बताने के लिए इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है, कमेंट कर दिया मैंने। अब ये जो कंस्ट्रक्टर है वो तो यूज़ हो रहा नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट पास नहीं करे, इसलिए वो पहले जो एरर आ रही थी वो दिखा रहा है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है ना, तो हमको आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेगा सारे, ठीक है। तो हम ये सारे आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ये जस्ट कॉपी करता हूँ मैं यहाँ जस्ट, और हम सारे जो वैल्यूज़ है वो पास करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या है, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, तो मैंने पास किया। उसके बाद क्या है, जॉन, ठीक है, वो मैंने पास किया। उसके बाद क्या है, डिपार्टमेंट नेम, वो मैंने पास किया। उसके बाद क्या है, डिजिग्नेशन, ये मैं पास कर रहा हूँ दोस्तों। ये मैं जो इतने मतलब
एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब बहुत से न्यू लर्नर्स होंगे जिनको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होगी। जो अब जिनको ऑलरेडी आता है उनको तो ये सब चीज़ें एकदम आसान लगती है, पर जो बेसिक जो न्यू लर्नर्स है उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती, इसलिए मैं थोड़ा स्क्रैच से जा रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों अब ये एरर चली जाएगी, देखते हैं। नहीं गई अभी एरर? ओके, वो एरर तो चली गई। अब वो प्रोटेक्शन लेवल वाली, इनएक्सेसिबल ड्यू टू प्रोटेक्शन लेवल, ये एरर आ रही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, यहाँ पर मुझे इंटरनल लिखना है। ठीक है, ये मैंने इंटरनल लिख दिया यहाँ पर। अब इंटरनल लिख दिया तो ये एरर भी चली गई। देखो दोस्तों, हमने एक एम्प्लॉय क्लास बना लिया हमारा और उसकी फर्स्ट इंस्टेंस बना ली। ठीक है, अब इस इंस्टेंस को वन वन नंबर दे देते हैं, मतलब वेरिएबल का नेम ओबीजे एम्प्लॉय वन कर देते हैं। अब एक दूसरी इंस्टेंस भी बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ओबीजे एम्प्लॉय टू न्यू एम्प्लॉय, अब उसका एम्प्लॉय आईडी हम 12 ले लेते हैं। ओके, उसका जो है वो एम्प्लॉय नेम एलेक्स ले लेते हैं। फिर उसका जो डिपार्टमेंट है वो लिख देते हैं फाइनेंस फॉर एग्जांपल। इसका डिजिग्नेशन ले लेते हैं टीम मेंबर फॉर एग्जांपल। ठीक है, और जो सैलरी होगी वो लिख लेते हैं 5000। ठीक है, और मैनेजर का नाम लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, जस्टिन। ठीक है, और लास्ट में सेमी कोलन बाकी है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों एक दूसरा इंस्टेंस। ठीक है, तो दो इंस्टेंस हमने बना लिए दोस्तों, मतलब एम्प्लॉय वन एम्प्लॉय टू। दोस्तों जब भी हम क्लास की इंस्टेंस बनाते हैं तो हर इंस्टेंस के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट होती है। तो अगर ये फर्स्ट इंस्टेंस है उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट होगी, और दूसरी इंस्टेंस है उसके लिए भी एक अलग मेमोरी एलोकेट होगी। जस्ट ठीक है, एम्प्लॉय। ठीक है, और उसकी जो इंस्टेंस फर्स्ट इंस्टेंस है एम्प्लॉय वन, तो ये मेमोरी के अंदर एक इंस्टेंस एलोकेट हुई। ठीक है दोस्तों, और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो दूसरी एक दूसरे इंस्टेंस की मेमोरी एलोकेट होगी। तो इस तरीके से जैसे जितने भी आप एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसकी मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, तो ये है। अब ये हमने देख लिया डेटा मेंबर्स। अब दोस्तों, अब डेटा मेंबर्स है, अब हमको क्या एक फंक्शन के बारे में देखना है। तो फर्स्ट फंक्शन जो बाय डिफॉल्ट जो एक फंक्शन रहता है वो तो हमने, मतलब बाय डिफॉल्ट इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि अगर आप ये फंक्शन डिफाइन नहीं करते हो कंस्ट्रक्टर, तो बाय डिफॉल्ट एक इंटरनल कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली होता है क्लास के पास, जो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस वो क्या होता है कि इंटरनल एम्प्लॉय विदाउट आर्ग्यूमेंट एक कंस्ट्रक्टर होता है क्लास के पास, पर हमने तो डिफाइन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमको इनिशियलाइज भी करना था ये फील्ड्स। अब हम दूसरे फंक्शंस भी बनाएंगे। ये तो कंस्ट्रक्टर था जो इंस्टेंस क्रिएट करने पे कॉल होता है। तो दूसरे फंक्शंस क्या क्या बन सकते हैं, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई कोई इंस्टेंस है उसकी हमें नेम चाहिए, मतलब एम्प्लॉय इंस्टेंस की नेम चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पब्लिक स्ट्रिंग गेट एम्प्लॉय नेम, ये मैंने एक फंक्शन बनाया। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एम्प्लॉय का नेम। ये क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा है। वो क्या बोल रहा है, नॉट ऑल ऑल कोड पास रिटर्न वैल्यू, मतलब यहाँ रिटर्न टाइप मैंने स्ट्रिंग दिया है, तो यहाँ पर
वैल्यू आपने रिटर्न कराई नहीं है, पर जो मैं अब कराने जा रहा हूँ रिटर्न क्या आएगा दोस्तों, दीज डॉट एम्प्लॉय नेम, ठीक है। मतलब एम्प्लॉय क्लास की जो भी इंस्टेंस करंट इंस्टेंस होगी उसका जो भी एम्प्लॉय नेम होगा वो रिटर्न करेगा दिस डॉट एम्प्लॉय नेम, ठीक है। दिस जो है वो पर्टिकुलर करंट इंस्टेंस के लिए यूज होता है, तो ये हमने रिटर्न करा दिया दिस डॉट एम्प्लॉय नेम, ठीक है। ये तो एम्प्लॉय नेम हुआ। फिर अगर हमको डिजिग्नेशन कराना है तो वो भी करा देते हैं, गेट डेजिग्नेशन नेम, तो यहाँ क्या होगा दिस डॉट डेजिग्नेशन नेम डेजिग्नेशन, ओके। दोस्तों अब ये जो फंक्शन है इसमें पब्लिक जो है वो क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर। अभी मैं इसको इंटरनल करता हूँ, पब्लिक नहीं लिखता हूँ, पब्लिक बाद में बताऊंगा कि ये इंटरनल पब्लिक प्राइवेट ये सारी चीजें क्या है। अभी इसको जस्ट सिंपल सा इंटरनल रखते हैं, कंफ्यूज नहीं होते ज्यादा। तो गेट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम डेजिग्नेशन, ठीक है, ये हो गया। दो फंक्शन हमने बना लिए, तो ये क्या रिटर्न करता है, एम्प्लॉय नेम एंड डेजिग्नेशन। तो हम इसका यूज करेंगे अब। मैं चाहता हूं कि मैंने जो दो इंस्टेंस बनाए हैं उसमें से एक प्रिंट कराना चाहता हूं कुछ, तो क्या करूंगा, कंसोल डॉट ब्राइट लाइन। अब मेरे को एम्प्लॉय वन है उसका नेम प्रिंट कराना है, ठीक है। क्या आएगा, ओबीजे एम्प्लॉय वन डॉट एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय नेम, जो हमने फंक्शन बनाया है वो, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या एम्प्लॉय नेम रिटर्न करेगा किसका, एम्प्लॉय वन ऑब्जेक्ट का, तो क्या नाम है जॉन, तो जॉन आएगा। इसी तरीके से दोस्तों जो एम्प्लॉय टू है उसका भी हम प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। दोनों के हमने नेम प्रिंट करवा लिया है, ओबीजे एम्प्लॉय वन ओबीजे एम्प्लॉय टू, ठीक है। इसको रन करा के देखते हैं दोस्तों क्या आउटपुट आता है। दोस्तों ये आउटपुट आ गया, एम्प्लॉय नेम वन जॉन एंड नेम टू एलेक्स। तो ये हो गया हमारा क्लास और उसके ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों इस लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।